यादव जसवंत नगर से आगे हैं योगी आदित्यनाथ चौदह हजार वोटो से आगे हैं रायबरेली से बीजेपी में शामिल हुई सिंह आगे हैं देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी पत्रकार रह चुके हैं हमने साथ भी काम किया है मीडिया एडवाइजर हैं, योगी आदित्यनाथ के वो आगे धर्म सिंह सैनी अब सुकेश आगे, आगे हो गए हैं सहारनपुर के नकुड़ से जी आप अपनी बात जारी नहीं मैं यही कह रहा था कि अब मुझे तो लगता है ना कि हालांकि हम लोगों को फाइनल जब निष्कर्ष पर आना चाहिए और जो विनोद जी ने एक सवाल उठाया है कि जो समाजवादी पार्टी की दो से तीन गुना सीटें हो गई हैं तो हम लोग इस पर हमको इस पर बारह बजे के आसपास डिस्कस करना चाहिए क्योंकि तो ये ये एक टिप्पणी मेरी मैं करना चाहता हूं आ, वो चुनाव अच्छा लड़े आंकड़े आंकड़ों में वो प्रदर्शित हो रहा है वो सब ठीक है लेकिन तीन प्रयोग अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में किए हैं हाल के चुनाव में पहले वो रा, राहुल गांधी के साथ गए वो फेल हो गए फिर वो और वो और फेल हो गए फिर कांग्रेस से उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई फिर वो मायावती के साथ गए कुछ दिन तक मायावती के साथ चले मायावती से उनकी दोस्ती खत्म हो गई ये तीसरा प्रयोग था जो उन्होंने किया है जो उनको बहुत मारक लग रहा था जिसमें उनको बहुत पोटेंशियल दिख रहा था रेनबो कोल आर एल आरएलडी को भी आरएलडी को साथ लिया छोटे छोटे तो दल मुझे, आए। मुझे मैं ये, मैं ये ये देखना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में क्या आरएलडी उनके साथ रहती है क्या कोई किसी के साथ वो लंबा चल सकते हैं क्योंकि आप अपने साथ देखिए वो रेनबो कोलेशन मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में बना रखा था जिनकी जरूरत जिनकी जरूरत अखिलेश यादव को बाहर से लाने की पड़ी वो मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में वो बनाया था रेवती रमन सिंह को ले लीजिए मोहन सिंह को ले लीजिए बेनी प्रसाद वर्मा को ले लीजिए अखिलेश को ले लीजिए तो तो क्या वो बनाए रखते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है इतिहास की तरफ आपको ले चलो जी मैं आपको उस इतिहास की तरफ लेता ले चलता हूं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था और जनसंघ के अपने कार्यकाल से लेकर भाजपा के कार्यकाल तक इस पार्टी ने जो आज के दिन केंद्र पे सत्रारूढ़ है कितने एक्सपेरिमेंट किए याद है आपको